close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो मैं हूँ आप सबकी काजल तिवारी और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का जो वीडियो फिर से साड़ी ड्रैपिंग से रिलेटेड होने वाली है। तो ये जो साड़ी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, पार्टी वेयर साड़ी है। तो मैं आज जो है वो पार्टी वेयर लुक क्रिएट करने वाली हूँ, जो कि थोड़ा बहुत डिफरेंट होने वाला है। सो वीडियो में आप लोग एंड तक बने रहें, एंड अब जो है वो वीडियो हम साड़ी पहनना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हम नॉर्मल ड्रैप करते हैं वैसे हम ड्रैप कर लेंगे, एंड उसके बाद से ये जो पल्लू वाला जो पार्ट है हम उसको लेंथ में जैसे रखते हैं वैसे हम नहीं लेंगे। बस हम यहाँ तक मेजर कर लेंगे, बस हमारे शोल्डर तक टच हो जाए, इतना ही हमें बस पल्लू के लिए लेना है। जैसे कि देख सकते हो, इतना मेज़र कर लेंगे एंड देख लेंगे कि हाँ कितना चाहिए, बस उसी हिसाब से। एंड उसके बाद से हम यहाँ पर पिन से सेट कर लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्लेट्स बनाने हैं। तो पहले मैं इसको यहाँ पे प्लेट से सिक्योर कर दूँगी, ताकि हमें मतलब ज़्यादा लंबा पल्लू भी ना हो और ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो, तो शॉर्ट या लॉन्ग ये ना हो। तो ये इस वजह से हम पिन से सेट कर देंगे, तो कहीं इधर उधर भी नहीं होगा, ताकि जो हमारे मेजर हैं उसके अकॉर्डिंग परफेक्ट हो जाए। तो एंड उसके बाद से ये जो भी बचे हुए साड़ी एक्स्ट्रा हैं, इसको सारे के सारे साड़ी को हम क्या करेंगे, प्लेट्स में ऐसे कुछ इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। एंड इसके बाद से ये प्लेट्स ऐसे करके, एंड अंदर वाले जो पार्ट है उसको मैं थोड़ा अप एंड सामने वाले जो फ्रंट वाला जो प्लेट्स है उसको थोड़ा डाउन कर देंगे, क्योंकि जब भी हम इक्वल करके प्लेट्स बनाते हैं तो नॉर्मली ऊपर वाला जो पल्लू है प्लेट्स है वो ना थोड़ा ऊँचे हो जाते हैं, एंड अंदर वाले जो पार्ट्स है वो थोड़ा ज़्यादा नीचे हो जाते हैं, तो परफेक्ट नहीं होता। तो इसलिए कभी भी जब भी वो पल्लू प्लेट्स के लिए सेट करें तो अप एंड डाउन कर ले, ताकि वो इक्वल हो जाता है ऐसे करने से। एंड उसके बाद से जो है ये पल्लू का जो हमने लिया था ये वाला पार्ट, तो हम कुछ इस तरीके से ऐसे करके हम फोल्ड करेंगे। आप चाहो तो पतले पतले प्लेट्स बना करके उसको फोल्ड कर दो, एंड आप इस तरीके से ज़्यादा जल्दी एंड इजी तरीके से कर पाओगे। एंड उसके बाद से जो हम बालों में जो रबर बैंड लगाते हैं, हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे नॉट्स की जगह पे हम ऐसे करके रबर बैंड लगा लेंगे, क्योंकि हम बांधेंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होगा एंड इधर उधर जो होगा। तो इसके सबसे ईजी है कि हम जो बालों में रबर बैंड यूज करते हैं हम उसको क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे। एंड ये जैसे कि देख सकते हो बॉर्डर कुछ इस तरीके से है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों एंड पॉइंट जो है उसको दोनों को अटैच कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, फ्लावर शेप में अच्छे से बन जाएगा, जैसे कि कुछ इस तरीके से देख सकते हो। एंड उसके बाद से हम क्या करेंगे, पिन से उसको सेट कर देंगे शोल्डर पे। एंड ये वाला जो है वो मेरा लुक रेडी हो गया, जैसे कि देख सकते हो। एंड उसको अच्छे से ऐसे राउंड शेप में फैला देंगे। एंड आपको जहाँ भी नीड लग रही है कि हाँ मुझे यहाँ पे पिन लगाना, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, बट हाँ दो तीन अच्छे से करके उसको पहले सिक्योर करने के लिए ज़रूर उसको लगाएं। एंड उसके बाद से सीप अच्छा है तो उसके लिए हमें फैला करके कुछ इस तरीके से, एंड उसके बाद से जहाँ नीड बढ़ी तो हम वहाँ पे पिन से सेट कर देंगे, ताकि कुछ इस तरीके से लुक आए खिला खिला सा। तो जैसे कि देख सकते हो पल्लू वाला पार्ट भी कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, जो कि पार्टी वेयर बिल्कुल लुक आ रहा है। एंड रेडी टू वेयर जैसे साड़ी होती है, तो वैसे हम नॉर्मल साड़ी को हम ऐसे ड्रैप करके हम रेडी टू वेयर कर सकते हैं। एंड बैक का भी बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता, बैक से भी काफ़ी अच्छा लगता है लुक, एंड जैसे जो देख सकते हो। एंड आप ऐसे जो नॉर्मल साड़ी जो होती है या फिर हेवी साड़ी होती है, तो आप चाहो तो उसके ऊपर से ऐसे, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी वैसे बना दूँगी, आप सर पे पल्लू जो हम चुन्नी वगैरह लेते हैं, तो जो मतलब मैरिड वगैरह जो लेते हैं जो रेड कलर की चुन्नी वगैरह होती, तो आप चाहो तो मतलब पूजा वगैरह में यूज करने के लिए आप तो उसको भी ऐसे यूज कर सकते हो एज ए ड्रैप करके, एंड पीछे से सर पे वैसे जो चुन्नी होती है तो वाला लेकर के ऐसे भी लुक क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर पार्टी वेयर ऐसे पार्टी वगैरह में यूज करना, तो आप ये ज़रूर ट्राई करना, काफ़ी मस्त लुक आता है। मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा डिज़ाइन लगता है। एंड इस तरीके से एक और भी होता है वो पल्लू वाला करके, तो इसमें भी फ्लावर शेप दे करके एंड उसमें पल्लू भी ऐड रहते हैं, तो वो भी थोड़ा डिफरेंट रहता है, मतलब एज थोड़ा बहुत सिमिलर रहता है। तो वो भी वीडियो मैं चैनल पे अपलोड की हूँ,
आप लोग उसको भी चेक कर सकते हो, या फिर मैं नेक्स्ट का भी वीडियो और बना दूँगी। एंड ये जो है ये बिल्कुल शॉर्ट वाला पल्लू करके, तो ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा, इसमें पल्लू नहीं रहेगा। तो दो तरीके से आप चाहो तो ऐसे ट्रैक कर सकते हो। एंड उसके बाद जो है अब मैं फेस कवर कर लूँगी। तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे कि मैं पहले से ही पिंक कलर का जो मेरा सैटिन का हुड था वो मैंने पहले से ही वेयर कर रखी हूँ। एंड उसके बाद से ये जो ब्लैक कलर का जो मेरा स्टॉल है, मैं इसके साथ कुछ इस तरीके से मैं फेस कवर करूँगी। तो इसको मैं पिन से सेट कर ली हूँ। एंड फेस तो हमारा ऑलरेडी फुल टाइट फेस कवर हो ही चुका है, बट मैं इसको थोड़ा अच्छा सा लुक लेने के लिए एंड ब्लैक कलर का जैसे साड़ी थोड़ा बहुत वो उससे मैचिंग हो जाता है, इसके लिए मैंने ब्लैक वाला ये स्टॉल यूज़ किया। एंड उसके बाद से ये वाला यहाँ से ऐसे पार्ट लेकर के पीछे नॉट्स लगा लेंगे, ताकि फ्रंट से लुक कुछ इस तरीके से आए। और फेस भी हमारा अच्छे से प्रॉपर कवर हो चुका है, आइज तो कवर है। सो ये हो गया मेरा। एंड उसके बाद जो है वो मैं अब ग्लव्स भी वेयर कर लेती हूँ, जो कि सैटिन का ग्लव्स है पिंक कलर का। तो मैं ये जो है ये बेबी पिंक है एंड जो कि बेबी पिंक है, तो बट ये दोनों कलर थोड़ा डिफरेंट है, बट ये मुझे ये भी कलर बहुत अच्छा लगता है, ये बेबी पिंक कलर है। तो मैं इस ये वाला जो है वो मैं ग्लव्स वेयर कर लेती हूँ। एंड इग्नोर दिस, क्योंकि ये लॉन्ग ज़्यादा नहीं है, आप सबको तो जो पता ही है कि ये थोड़ा शॉर्ट मुझे रिसीव हुआ था, बट कोई नहीं। तो इसके ऊपर मैं वेयर कर लेती हूँ। एंड ये रहा मेरा फाइनल लुक, एक डार्क पिंक हो गया है एंड एक लाइट पिंक हो गया है। सो ये हो गया मेरा फाइनल लुक। सो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।